मैं सबसे पहले तो इस बात को बहुत खुशी के साथ ऐलान करता हूं कि हमारे इस देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बांद्रा का एक ऐसा युवक कि जिसने गरीब की सेवा ही अपना मकसद समझा, अखिलेश के हर परिवार को अपना परिवार समझा, बांद्रा में रहने वाले हर पहले बात तो मैं स्वाभिमान के हमारे नेता जहीद भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके साथ सभी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये किसी परिवार की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये आवाम की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसके लिए समाज के अंदर अच्छा काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिलाने के लिए चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी भाषा से हो, कोई भी परिवार से हो, उसको सही मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और इसके लिए जाहिद भाई का भारतीय जनता पार्टी में आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ शकुन है और इसके लिए जो हमारी जीत 2014 में हुई थी उसमें अभी दुगना मार्जिन हो जाएगी और हमारी जीत अभी दूसरे दुगने मार्जिन से यहाँ बांद्रा में होने वाली है। सुबह में तिवारी जी ने ज्वाइंट किया है, इस बार जो है वो जहीद जी ने ज्वाइंट किया है, तो स्वाभिमान के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो आपके साथ आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता नारायण राणे जी का भी धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्वाभिमान के अपने सहकारी कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी और महायुति का समर्थन देने के लिए वहां पर उस प्रकार से आदेश भी दिए और मुझे लगता है कि तिवारी जी आज सुबह रैली में थे लेकिन जाहिद भाई ने इस वार्ड में भी अपनी जो मेहनत बनाई है उसका आधार पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के बादल के कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसको ये पूरे प्रक्रिया को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अभी जो खुद हार मानकर चले गए उनके ऊपर क्या बोलना और अभी हारने के लिए दूसरे को यहाँ पर छोड़ा ये बात भी लोग जानते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि 5 साल मैंने लगातार इस क्षेत्र में काम किया, सबका साथ सबका विकास ये नारा लेकर काम किया, सभी को अपनाने का पूरा प्रयास लेकर काम किया और इसके लिए आने वाले समय पर हमारा विजय जो है महायुति का विजय वो बहुत बड़े मार्जिन से होगा। किया है ये आदरणीय नारायण राणे साहब के कहने पर किया है और राणे साहब भी बीजेपी ज्वाइन किए, नीतीश राणे साहब को बीजेपी की आमदार की टिकट देवगढ़ से मिली है, तो जिस तरह का काम हम लोगों ने स्वाभिमान संगठन और महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के लिए किया ये मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ लोगों को कि उसी सच्चाई और दिल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के परचम को
पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के घर घर में लहराएंगे। देखिए आशीष जी तो जब इलेक्शन में खड़े हुए फॉर्म भरे 3 तारीख को तो उनकी जीत तो उसी वक्त निश्चित थी। फिलहाल जो वार्ड 102 है वो माइनॉरिटी का वार्ड है और हमेशा उनको वहाँ से लीड नहीं मिली है, तो अभी हमारे पक्ष प्रवेश होने से ये उम्मीद है कि उनको माइनॉरिटीज़ के वोट मिलेंगे और उनकी जीत में बढ़ोतरी होगी और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। अभी आप बीजेपी पार्टी में आए ऑपरेशन जो फ्री में करा तो क्या वो भी सिलसिला जारी रहेगा ऑपरेशन करा के? देखिए मैं बीजेपी पार्टी में आया हूँ मगर स्वाभिमान संगठन के जरिए वो काम तो चलता रहेगा, वो एक एनजीओ है, उस काम को कोई बंद नहीं होगा और उस काम को हम बंद होने नहीं देंगे। वो काम चलता था और अब बीजेपी में होने के साथ हमें और पावर मिलेगा और काम की रफ्तार दुगनी और चौगनी हो जाएगी। देखिए अभी तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं, जब आवाम बोलेंगी वो लोग बोलेंगे और जब लगेगा कि यहाँ के नगर सेवक या जो भी है अगर वो लोगों के साथ गलत करे, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो मैं तो लोगों का जनता का सेवक हूँ, जनता बोलूंगी लड़ने तो लड़ लूंगा। जब हम आशीष जी से मिले थे उनकी एक कंप्लेंट थी कि जब भी मेरे डब्बे खुलते वोटिंग काउंटिंग के तो कहीं ना कहीं मुझे ये वार्ड से कम वोट आते, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा वार्ड उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। और आशीष शेलर खुद इस वार्ड में रहते हैं, वो खुद इस वार्ड में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग उनका साथ दें, जितने मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी को वोट डालें। ये उनकी एक शिकायत है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं देते, तो हम माइनॉरिटी वोट ज्यादा से ज्यादा उनको देने के लिए कोशिश करेंगे। हम तुम्हारा साथ है। महिलाओं के मुद्दे तो है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक महिला को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थी, और महिला भले वो बुरके में हो, साड़ी में हो, सलवार कमीज में हो, वो आदमी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। और मैं चाहूंगी कि हमारे वार्ड के जो लेडीज है या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेडी है, सारे लेडीज जुड़े और बहुत आगे काम करें।